हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पीज दोबट्टा। आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार दरोगा यातायात पुलिस की न्यू वैकेंसी के बारे में। बिहार पुलिस भी आने वाली है, तो बहुत स्टूडेंट का कमेंट था कि बिहार दरोगा के लिए बुक होनी क्या होनी चाहिए सिलेबस, उस पर वीडियो बनाइए। तो बिहार दरोगा का सिलेबस पर ये वीडियो नहीं है, लेकिन यातायात पुलिस का न्यू वैकेंसी का एक नोटिस जारी हुआ है। 10,000 प्लस वैकेंसी आएगी यातायात को सुरक्षित। आज क्या हुआ ना, मेरे भाई बुलेट लिए रेड कलर का, 3.5 लाख में हुआ होगा, बुलेट से जा रहे थे। दीदी को बाबू हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा। जो टीचर साहिबा है जो माध्यमिक अवकाश में थी उनको बाबू हुआ। मेरे भैया खुशी से उछल पड़े और चल दिए मेरे दीदी के ससुराल की तरफ। मेरी दीदी के ससुराल की तरफ जब जाने लगे तो वहाँ पुलिस पकड़ ली गाड़ी। अब भाई कॉन्स्टेबल है अलग बात है, लेकिन भाई को तो प्राउड होता है ना, मेरी बहन पुलिस है। तो एक बात मैं बोलूँगी, आप लोग भी नौकरी करिएगा, स्टाफ को कोऑपरेट करना सीखिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत चीज़ में कोऑपरेट करिए, लेकिन स्टाफ को कोऑपरेट करना सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मदद कीजिए, क्या होता है ना, आप सिपाही की नौकरी से अपने घर परिवार चला रहे हैं, है क्या सिपाही की नौकरी करे। अरे भाई मैं तो खुश हूँ, मैं तो बोलूँगी कि सिपाही की नौकरी से मैं यहाँ तक आई हूँ, मैंने बहुत कुछ किया और मैं बहुत कुछ आगे करूँगी। ये जो है DGP साहब थे, भट्ट साहब थे, वो तो अब DG बन गए CRPF के, लेकिन जो भी कांस्टेबल का डेथ हो जाएगा उन्हें 2.5 करोड़ रुपये दिया जाएगा और नौकरी भी दिया जाएगा उसके बदले अनुकंपा में। तो बात क्या हुआ ना, मेरे भैया का गाड़ी पकड़ लिया। अगर आप नंबर प्लेट गाड़ी में नहीं लगाते तो 2,000 आपको फाइन लगती है, चालान कट जाती है। देखो भाई, तो भैया फ़ोन किए तो बोले बात करवाइए, बोला कि फाइन तो लगेगा, बोले ठीक है काट दीजिए। मैंने डायरेक्ट बोला भैया गलत बात है, अगर आप पुलिस ही अपने भाई को बचाएगा तो हमारे देश, ऐसे भी देश में देख रहे हो ना कितने दरिंदे हैं, देख रहे हो ना लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भैया नहीं, इलीगल है, फाइन भरो, और मैंने फाइन का फोटो भी मंगवाया है। मैंने बोला फाइन भरो और उसके बाद गाड़ी निकाल के जाओ। मेरे भैया, मेरा डर तो होता ही मेरे भैया को। तो यातायात पुलिस में यातायात को सफल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, एक्सीडेंट ना हो, पहले से तो बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, पहले से तो बहुत कम दुर्घटना होती है, लेकिन कुछ चीज़ नसीब में भी लिखा होता है, जो जिसको जितना करना होगा वो उतना होता ही है। तो यातायात में भी वैकेंसी निकाली जाएगी 10,000 प्लस, बिहार पुलिस की अलग, यातायात की अलग। तो ये मत सोचिएगा बिहार पुलिस ही यातायात में, नहीं, यातायात की अलग वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बिहार पुलिस का स्मार्ट बोर्ड पे स्पेशली मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। एक लड़का बोला कि आपकी PDF से क्वेश्चंस अच्छा खासा आया, बिहार SSC का नोट्स बनाइए। मैंने कहा भाई साहब माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। देख रहे हो, आप लोग बोलते हो ना कि आप मोटी क्यों नहीं होती हो, आप हमेशा सूखी लगती हो, बुढ़िया लगती हो, बहुत रफ सब कमेंट आता है, अनाप सना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने मैथिली ठाकुर को तो देखा होगा ना, कितनी पतली है। तो ऐसा नहीं कि खाते नहीं है, ऐसा नहीं कि अय्याशी करते हैं ना, बिल्कुल नहीं, अपने काम को लेके सीरियस रहते हैं, अपने काम को। देख रहे हो कितना पसीना बाहर, देख रहे हो फैन ऑन करके वीडियो बना रहे, फैन अगर ऑन करेंगे, ऑफ करके वीडियो बना रहे, अगर फैन ऑन करेंगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी मेरी। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बिहार पुलिस का तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। और यातायात में भी आपको यातायात में क्या करना होता है, हेलमेट लगाना, चालान के बारे में बताना। बिहार पुलिस में ही वैकेंसी पहले निकाल दी जाती थी तो यातायात में भेज दिया जाता था। अब क्या है ना कि बिहार में अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत कम पुलिस है, इसके वजह से बिहार में यातायात के वैकेंसी अलग निकलेंगे। ड्राइवर का तो वैकेंसी ऑलरेडी पहले से अलग।